Hello everyone. Hi, this is Palki Mehta from the channel YTH India. Welcome to all of you. Today we are going to discuss topic sex education. First of all, I'll take 1 minute to tell about my channel. This is YTH India channel. आपने पहले भी इसमें काफ़ी क्लासेस देखी हैं. अनलिमिटेड फ्री क्लासेज आर देयर एंड जो इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करने वाली हूँ आफ्टर होली दिस 20th March वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ लाइव चैनल स्ट्रक्चर्ड लाइव क्लासेज एज वेल एज मॉक टेस्ट रिकॉर्डेड भी होंगे और लाइव मॉक टेस्ट भी होंगे. दिस इज स्पेशली फॉर UPSC सिविल सर्विसेज एंड स्टेट एग्जाम टेट UP लेखपाल एग्जाम एंड इंग्लिश स्पीकिंग लाइव क्लास विल बी देयर विच इज एब्सोल्यूटली फ्री. ongoing batches which are going on IAS, BPSC, UPSC, JPSC ये सारे हिंदी में स्पेशल इनके लिए batches शुरू हो रहे हैं. NCERT मॉड्यूल भी शुरू होने वाला है जिन जो बच्चे NCERT CBSE स्कूल्स में पढ़ रहे हैं उनके लिए एक स्पेशल लाइव मॉड्यूल तैयार करा जाएगा जिसमें इंग्लिश साइंस और मैथमेटिक्स पढ़ाया जाएगा. तो सारे प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे इसकी लाइव क्लासेस की. जो UPSC CSE का एग्ज़ाम होगा वो 8 बजे सुबह लाइव क्लास शुरू होगी और इंग्लिश की लाइव क्लास 11 AM स्टार्ट होगी आफ्टर 20th March. तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर टॉपिक. ये जो टॉपिक्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं, लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस करा था टेररिज्म का, ये टॉपिक्स आपके UPSC में भी कवर होंगे एंड SSC में भी कवर होंगे. तो ये बहुत ही प्रिसाइसली इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है जो खुद लिखी गई है, जो कहीं से उठाई नहीं गई. बहुत ही मेन पॉइंट्स जो लिखे गए हैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में जो हम डिस्कस करने वाले. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक सेक्स एजुकेशन. सेक्स एजुकेशन के बारे में मोस्टली आजकल बहुत ज़्यादा इसकी नॉलेज वाइडली हो गई है, ब्रॉडली बताया जा रहा है, ना कि इसमें कोई हेजिटेशन है, ताकि इन्फॉर्मेशन इसके बारे में सही हो तो सही चला जाता है. सेक्स इज अ वेरी नेचुरल पार्ट ऑफ एवरीवन्स लाइफ. इट्स अ वेरी नेचुरल पार्ट, कुछ भी इसमें अलग नहीं है, नेचुरल है. सेक्स एजुकेशन डज नॉट प्रमोट यंगस्टर्स टू इंडल्ज इन सेक्स. ये नहीं है कि इफ यू आर प्रोवाइडिंग सेक्स एजुकेशन इट इंडल्ज यंगस्टर्स टू ग्रो मोर इन सेक्स टू प्रमोट सेक्स. दिस इज नॉट टू प्रमोट सेक्स, दिस इज जस्ट टू इन्फॉर्म देम what is the right knowledge about the sex. It exposes teenagers to their natural sexual expression. Teenagers को जो puberty आती है उनमें जो changes आते हैं, hormonal changes आते हैं, तो उनको attraction होती है with the opposite sex. तो अगर उनको if they have the right knowledge about sex education, they know the sexual expressions क्या होते हैं and they know the right thing and right time to do. Okay, so sex education is mainly very main important for the teenagers, especially for youngsters. Sex education protects the young souls from unwanted pregnancies and sexually transmitted diseases. आजकल जो इतनी diseases sex से transmit हो रही है, अगर उनको सही से पता हो कि how to take precautions and how to prevent unwanted pregnancies. तो teenagers में आजकल बहुत ज़्यादा unwanted pregnancies आ रही हैं जिसके कारण miscarriages, abortions हो रहे हैं और बच्चों की बहुत ही ज़्यादा हेल्थ पे असर हो रहा है. इफ़ दे हैव द राइट नॉलेज हाउ टू प्रोटेक्ट, हाउ टू प्रिवेंशंस, दे कैन प्रोटेक्ट फ्रॉम देयर अनवांटेड प्रेगनेंसीज एंड ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं, जो STD जिसको बोला जाता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं, उनको रोका जा सकता है. इट कैन प्रिवेंट द यूबिकिटी ऑफ अनऑथेंटिक सेक्सुअल इन्फॉर्मेशन. तो गलत इन्फॉर्मेशन सेक्स के बारे में बताई जा रही है उसको भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं अगर उनको राइट नॉलेज हो, राइट नॉलेज हो सेक्स एजुकेशन की. The modernization and technological progress have opened the doors of opportunities and choices for the modern youth. इतनी ज़्यादा modernization होगी, इतनी ज़्यादा with technology में progress होगी है कि सारे तरह के दरवाजे, सारी opportunities youth के लिए खुल चुकी है. Now every kind of information is available on their fingertips. हर Google में कुछ भी आप type करो तो उसके बारे में इतनी हज़ारों information मिल जाएगी. लेकिन right information teenagers के पास about sex education होना बहुत ज़रूरी है. Teenagers are totally unpredictable and their risk-taking streak make them seriously vulnerable. Vulnerable का मतलब attackable. Teenagers आजकल जो हो रहे हैं बहुत ही unpredictable हैं, बहुत unpredictable उनके शौक हैं, बहुत ही unpredictable उनके जो वो करते हैं, जैसे reels इतनी, या आप देख लें जो एक चीज़ का fashion चल जाता है वो चली जाता है, और वो इतने risk-taking है, जो selfies लेते हैं कहाँ कहाँ जाके, कुछ भी अपने
अपने आप को प्रमोट करने के लिए, अपने फेम के लिए वो कुछ भी रिस्क लेने को तैयार है, तो उसके कारण वो बहुत ही अटैक उन पे इजिली अटैकेबल हो जाते हैं। नाउ डेज देर इज ड्रास्टिक इंक्रीज इन केसेज ऑफ अनवॉन्टेड प्रेगनेंसीज इन टीनएजर्स, जो वो पॉइंट हमने डिस्कस करा है, इतना ज़्यादा ग्राफ बढ़ गया है कि अनवांटेड प्रेगनेंसीज टीनेजर्स में हो रही है, अबॉर्शंस हो रहे हैं जिसके कारण अबॉर्ट करना पड़ रहा है, अबॉर्शन के कारण उनकी हेल्थ पे इतना ज़्यादा असर पड़ रहा है, मिस कैरेजेज हो रहे हैं जो 16, 17, 18 साल की उम्र में ही मिस कैरेजेज हो रहे हैं, अबॉर्शंस हो रहे हैं, एंड इतनी एसटीडी, इतनी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज बढ़ गई हैं जिसके कारण से बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है। This makes it essential to introduce sex education among the young people. अगर young people को, अगर teenagers को, youngsters को पता हो कि what are the preventions and how are they going to take prevention, ये बहुत ही diseases को रोका जा सकता है। Education aims to prepare youngsters for the future and sex education thus become a fundamental part of a healthy journey towards an adult life. Education क्या है, बहुत ज़रूरी है youngsters के लिए for the future life. सिमिलरली अगर एजुकेशन जरूरी है तो सेक्स एजुकेशन भी उनकी हेल्थ के लिए, हेल्दी लाइफ के लिए, टुवर्ड्स देयर एडल्ट लाइफ, जो एडल्ट लाइफ में वो हेल्दी लाइफ, हेल्दी सेक्सुअल लाइफ जीने वाले हैं, उसके लिए सेक्स एजुकेशन भी उतनी ही जरूरी है जितनी एक नॉर्मल एजुकेशन जरूरी है। इम्पॉर्टेंस ऑफ सेक्स एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन इज अ काइंड ऑफ प्रिकॉशनरी मेयर एंड द नीड ऑफ द डे। प्रिकॉशनरी मेयर है, अगेन वी आर आई एम टेलिंग द सेम थिंग, प्रिकॉशन अगर वो ले ले राइट टाइम पे, दैट इज द मेन नीड ऑफ द डे। इट हेल्प्स द यंग माइंड्स टू चैनलाइज देयर एनर्जीज इन अ मीनिंगफुल डायरेक्शन। अगर वो अनवांटेड प्रेगनेंसीज, अनवांटेड हेल्थ इश्यूज में नहीं पड़े तो वो अपनी अपनी एनर्जी को सही तरीके से, सही जगह पे लगा सकते हैं मीनिंगफुल डायरेक्शन में। एक्सपोजेस अ यंगस्टर्स टू देयर बॉडीली चेंजेस, जेंडर आइडेंटिटी, बॉडी इमेज, इंटीमेसी, सेक्शुअल एक्सप्रेशन, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मच मोर। क्या क्या अगर हम एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन राइट दें तो क्या क्या उनको पता चलेगा उनकी बॉडी चेंजेस, जस्ट एज आई टोल्ड, प्यूबर्टी जो आ जाती है 14-15 साल में, 14 टीन एज में प्यूबर्टी, एक चेंज आ जाता है बॉडी में, लाइक इन देयर बॉडी पार्ट्स, इन देयर वॉइस, बहुत सारे चेंजेस आते हैं इन हॉर्मोनल, देयर एटीट्यूड चेंजेस, जेंडर आइडेंटिटी मतलब दे हैव अट्रैक्शन टुवर्ड्स ऑपोजिट जेंडर, बॉडी इमेज, बॉडी पार्ट्स में चेंजेस आना, इंटीमेसी होनी, इंटीमेसी मतलब अट्रैक्शन होनी टुवर्ड्स अदर सेक्सुअल जेंडर, सेक्सुअल एक्सप्रेशन आना, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर बढ़ जाती है और जिसके कारण उनको पूरा अपना एक ध्यान रख के चलना पड़ेगा कि कैसे हमने अपनी लाइफ को जीना है। Also, sex education helps in skill building that aids a youngster to make informed decision and communicate about sex and their sexual health. Skill building मतलब उनको पता होना चाहिए कि क्या उनको करना है और किस टाइम पे करना है, किस तरीके से, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। Information related to abstinence and puberty, reproduction, relationships, contraception, condoms, sexual violence and its prevention, sexual orientation should be given to teenagers by trained teachers. आजकल स्कूल्स में बहुत ज़्यादा इसके वेबिनार्स हो रहे हैं, सेमिनार्स हो रहे हैं टू इनको बताया जा सके कि सेक्स एजुकेशन फ्रॉम द वेरी स्कूल इटसेल्फ, फ्रॉम द नाइन्थ टेंथ स्टैंडर्ड में बच्चे टीनएजर्स होते हैं तो उनमें उनको बताया जाता है, क्योंकि प्यूबर्टी आ जाती है उनके, रिप्रोडक्शन के बारे में उनको बताया जाता है, रिलेशनशिप्स के बारे में, कंट्रासेप्शन मतलब कंट्रासेप्शन पिल्स आती हैं जिसमें Within some hours, you can abort the unwanted pregnancy. Condoms के बारे में बताया जाता है, sexual violence and its prevention. Sexual orientation, मतलब पूरा sex के बारे में orientation, पूरी उनको ज्ञान दिया जाता है by trained teachers. Youngsters learn to treat sexual development as a natural and normal part of human development through sex education, which is very common. Sex is a very common It's a natural process. It cannot be stopped. So, उनके बारे में ये stop नहीं किया जाता जा सकता, लेकिन उसके बारे में education, उसके बारे में right पता होना चाहिए कि इसके क्या क्या, इससे बीमारियां फैल सकती हैं, क्या क्या हमारी health में issues हो सकते हैं, तो इसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम sex को रोक नहीं सकते लेकिन sex education को तो हम पढ़ सकते हैं, उसके बारे में पता तो होना ज़रूरी है। Imparting sex education to youngsters, youngsters again the teenagers और या 20-22 age तक के, from 14 age to 22 age तक को बहुत इसके बारे में information होना बहुत ज़रूरी है। Sex education should be a mandatory in school curriculum. Mandatory means it should be a necessary in school curriculum. School में ही इनको बतानी चाहिए। It should be implemented in both government and private schools. दोनों तरह के schools में, हर तरह के school में
जो टीनेजर्स है उनको सेक्स एजुकेशन के बारे में पूरा बताना चाहिए. इट्स सिलेबस मस्ट बी केयरफुली नेटेड टू कवर ऑल द क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ सेक्स एजुकेशन फॉर द यंग सोल. जैसे हर टॉपिक को बताया जाता है, हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक को, इसी तरह सेक्स एजुकेशन का भी पूरा सिलेबस कवर होना चाहिए, उसके सारे क्रूशियल एस्पेक्ट बताने चाहिए यंग पीपल को. फॉर सेक्स एजुकेशन इंपॉर्टेंस अबाउट पर्सनल हाइजीन मस्ट बी टॉट. पर्सनल हाइजीन, पर्सनल साफ सफाई, अपनी बॉडी की साफ सफाई कैसे रखनी है ताकि कोई भी आपको बीमारी से बचाव हो सके, उसके बारे में भी बताना बहुत जरूरी है. द बेस्ट वे टू पुट यंगस्टर्स एंग्जाइटीज टू रेस्ट इज सिंपली बाय गिविंग देम सेक्स एजुकेशन. सिमिलरली अगर जैसे प्यूबर्टी आती है तो उनमें बहुत एंग्जाइटी आती है कि बहुत नया नया होता है एंड हार्मोनल चेंजेस के कारण उनमें बहुत उत्सुकता होती है इसके बारे में जानने के लिए. अगर उनको राइट समय पर बताया जा सके तो उनकी एंग्जाइटी को रोका जा सकता है. इन कंसल्टेशन विद एक्सपर्ट्स इन द फील्ड, पेरेंट्स एंड ट्रेन टीचर. पेरेंट्स को भी थोड़ा थोड़ा इनको बताना चाहिए ताकि जो उनके साथ है गलत ना हो सके. जैसे रेप बहुत हो रहे हैं तो अगर उनको सही सब पता चले कि राइट टच क्या है, गलत टच क्या है, सब इवन द गर्ल्स एंड बॉयज शुड नो, बोथ द जेंडर शुड नो बाय ट्रेंड टीचर्स. इंडल्जिंग इन पोर्नोग्राफी. पोर्नोग्राफी मतलब पॉर्न स्टार्स जो होते हैं, फोर्स सेक्स, जबरदस्ती का किया गया सेक्स, फिजिकल अब्यूज, फिजिकली तुम्हें मारा जाए या अब्यूज, मतलब वर्बली नहीं, सिर्फ बोल के नहीं, मार पीट के अब्यूज भी हो सकता है, इज गेटिंग कॉमन अक्रॉस द वर्ल्ड एंड इट लीड टू अर्ली अनवांटेड प्रेगनेंसी. फिजिकल अब्यूज इन द सेंस रेप्स हो सकते हैं, फोर्स सेक्स अगेन इट्स अ रेप. पोर्नोग्राफी में अगर उनको सही नॉलेज हो अबाउट द राइट टच एंड गलत टच, कौन तुम्हें गंदी निगाह से देख रहा है, गंदी निगाह से टच कर रहा है, तुम्हें किससे बचाव होना चाहिए, ये सब सेक्स एजुकेशन के क्रूशियल एस्पेक्ट हैं जो बच्चों को स्कूल करिकुलम में ही पढ़ाए जाने चाहिए. सेक्स एजुकेशन शुड इंक्लूड दिस इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन द सिलेबस. दिस करिकुलम कैन हेल्प द यूथ टू अंडरस्टैंड द इनह्यूमन एंड अनएथिकल बिहेवियर्स. अनएथिकल बिहेवियर सेम विच आई हैव टोल्ड, द राइट एंड रॉन्ग टच. While imparting knowledge about sex education, the trained teacher should also give the wisdom of contraceptives. जब उनको knowledge दी जाती है, जो पूरा sex education में बताया जाता है, उनको contraceptive की knowledge भी दी जानी चाहिए. Contraceptive जैसे unwanted 72 जो आजकल आती है, गोली आती है एक गोली जो within 72 hours you have to take to prevent the unwanted pregnancy, and talk about the plethora of contraception method. Plethora मतलब abundance, इतने contraception के abundance of methods है, बहुत ज़्यादा तरीके हैं जिसको रोका जा सकता है pregnancy को. Market में pills available हैं, condoms available हैं, lastly abortion available है, और भी बहुत सारे methods available हैं जिससे जिससे pregnancies को रोका जा सकता है. Alternate method of sex education should be approached, including the visual media and film screen showing the life taking sexually transmitted diseases. Visually भी उनको दिखाया जाना चाहिए कि sexually transmitted diseases कितनी ज़्यादा फैल चुकी हैं, जो बहुत ही खतरनाक है. Like AIDS is also a type of STD, जो जिसका कोई इलाज भी नहीं है, जिसका कोई अभी तक इलाज नहीं निकल पाया. In addition, free health camps and regular health checkups can be set up for the underprivileged. Underprivileged जो बहुत ही जिनके पास इतना प्रिविलेज नहीं है कि वो जाके खुद चेकअप करवा सके, उनका हेल्थ फ्री हेल्थ चेकअप्स होने चाहिए और रेगुलर होने चाहिए ताकि उनको पता चलता रहे कि इफ़ दे आर फेसिंग एनी हेल्थ इशू. विद द हेल्प ऑफ इंटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम, सेल्फ वर्थ मस्ट बी टॉट टू द यंगस्टर्स. सेल्फ वर्थ मतलब अपने आप की तुम्हें कीमत पता होनी चाहिए, दैट वी हैव सम वर्थ. ये नहीं कि अपनी कीमत गवा के यू टेक सम डिजीजेज और कुछ भी तुम अपने हेल्थ इश्यूज ले लो. टीनेजर्स शुड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द इररिपेरेबल डैमेजेस दैट कैन अकर इन रैंडम सेक्सुअल एक्ट. इररिपेरेबल मतलब जो रिपेयर नहीं किए जा सकते, जिसका कोई अभी तक इलाज नहीं निकल पाया, या जरूरी नहीं है कि तुम्हें फिजिकल ही एक डैमेज हो सकता है. जैसे जो रेपिस्ट हैं जिनके रेप हो जाते हैं, वो फिजिकल डैमेज तो उनका हुआ ही हुआ है, लेकिन जो मेंटली दे हैव इररिपेरेबल डैमेज, मेंटली जो इररिपेयर, जो रिपेयर नहीं करा जा सकता, मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा, फिजिकल हेल्थ के साथ मेंटल हेल्थ पे भी अपनी बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा. अगर यू हैव द राइट नॉलेज, यू हैव द राइट नॉलेज अबाउट द गुड एंड बैड टच, तो हमें ऐसे डैमेज नहीं भुगतने पड़ेंगे. तो ये नॉलेज बच्चों को छोटे से होते से ही बतानी चाहिए ताकि उनको इसमें हेजिटेशन ना ही टीचर्स को ना ही पेरेंट्स को रखनी चाहिए कि अपने बच्चों को सही नॉलेज बताने में.
सेक्स एजुकेशन टिप्स, नो पेनिट्रेशन डज नॉट मीन नो प्रेगनेंसी. नो पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन इन द वर्ड बायोलॉजिकल मीन्स इनटू, पुट इनटू, डज नॉट मीन देर इज नो प्रेगनेंसी. सेक्स ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन इज नॉट सेफ. सेक्स ड्यूरिंग मेंसेस, इफ यू आर डूइंग सेफ सेक्स, दैट इज नॉट सेफ. वर्स्ट सेक्स इज ड्यूरिंग द मेंसेस. चांसेस ऑफ प्रेगनेंसीज आर स्टिल हाई ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन टाइम. Not all females bleed when they encounter sex for the very first time. This is not 100% that all females will bleed when they do the sex first time. Condoms do have expiry dates. This does not mean that once you have bought a condom and you can use it anytime. You must check the expiry dates before using it. With sex education, youngsters understand the difference between healthy and unhealthy relationships. If someone is doing forced sex, giving it a name of a relationship, that is not a healthy relationship. You must have the knowledge about your relationship also. That means if you are doing sex with your own consent, that is a healthy relationship. You must not do a forced sex. If you are doing forced sex with your partner, that means you are going in an unhealthy relationship and you should not grow in that relationship. Sex during menstruation is not safe sex. Again, the same thing. Chances of pregnancy are still high in menstruation. Comprehensive sex education program can aid the youngsters to delay their sexual initiation. अगर उनको सेक्स के बारे में ज्ञान हो, असलियत में उनको सेक्स एजुकेशन दी जाए, तो उनकी एंग्जाइटी को रोका जा सकता है. जो उनको एक उत्सुकता है जानने के लिए कि क्या है रिप्रोडक्शन, सेक्स एजुकेशन कैसे होता है, क्या है सारे इसमें, इंटीमेसी किसको बोला जाता है, रिलेशनशिप्स किसको बोले जाते हैं, अगर उनको सही बारे में सब कुछ क्लियर कट बताया जा सकता है, तो उनकी एंग्जाइटी को रोका जा सकता है. Sex is a fundamental part of every human, which cannot be stopped, which is inevitable. Hence, sex education is mandatory in many schools. So, अगर sex को रोका नहीं जा सकता, तो उसकी information भी mandatory, जरूरी होनी चाहिए. It incorporates values as well as cultural sensitivity in young people. Values भी उसके बारे में पता चलती है. Again, वही सिर्फ physical health नहीं, mentally health को भी तुम्हारी उतना ही सफर करते हैं, डैमेज करते हैं. तो तभी तुम एक दूसरे की फीलिंग को समझ पाएंगे. वैल्यूज इनकॉर्पोरेट्स वैल्यू, तुम्हें एक दूसरे की फिजिकल एज वेल मेंटल फीलिंग्स को समझ पाएंगे, एज वेल एज कल्चरल सेंसिटिविटी. सेंसिटिविटी इन यंग पीपल, दे विल नॉट स्टार्ट हर्टिंग ईच अदर. सेंसिटिविटी आ जाएगी, उनमें समझ आ जाएगी. यंगस्टर्स गेट मोस्ट ऑफ द सेक्सुअल सेक्स एजुकेशन थ्रू वेरियस ऑनलाइन वेबसाइट्स एंड इट्स मेजॉरिटी ऑफ द टाइम नॉट एक्यूरेट. जब जैसे कि उनको सही एजुकेशन के बारे में स्कूल्स या करिकुलम में नहीं बताया जाता, तो दे हैव द एक्साइटेड टू नो एंड दे सर्च ऑन द गूगल और अदर सर्टेन अदर वेबसाइट्स. तो कई बार वो वेबसाइट्स पे सही नहीं, एक्यूरेट नहीं बताया जाता, जो वो गलत नॉलेज ले लेते हैं. तो दैट्स व्हाई सही नॉलेज उनको स्कूल में दे दी जाए, ताकि वो इधर उधर सर्च ना करें. हैंड सेक्स एजुकेशन मस्ट स्टार्ट एट अर्ली एज इन होम और स्कूल. Date rapes are becoming common in every country and hence it is necessary to make youngsters aware of their heinous crime and through sex education. Itne jyada rapes common hai ki ab to usko bilkul nayi khabar aaye, to it's natural. Bahut hi ek din mein kitni rapes ki khabar aati hai, kitni, kahi to report hi nahi hoti. Report kyun nahi hoti? Because of the image. फीमेल की इमेज खराब होगी. तो कई फीमेल्स, तो मोस्टली कितने परसेंट ऑफ फीमेल्स डज नॉट रिपोर्ट देयर रेप की, अपनी खबर ही रिपोर्ट नहीं कराते पुलिस स्टेशन में, बिकॉज मेंटल इशू. अगेन सेम थिंग, फिजिकल इशू, फिजिकल हेल्थ तो खराब हुई है, लेकिन मेंटल इररिपेरेबल डैमेज जो उनको मिला है, जो रिपेयर नहीं हो सकता. तो इसीलिए इसके बारे में, सेक्स एजुकेशन के बारे में सही तरीके से अगर बताया जा सके स्कूल्स में, तो वो रोके जा सकते हैं रेप्स. Sex education to children with special needs is very important. It requires compassionate approach towards them. Parents and teachers should make the youngsters understand about the sexual anatomy of human beings. Anatomy मतलब sexual के बारे में उनकी सारी crucial aspect cover करें parents and teachers. Especially teachers को और parents को, दोनों को, because they both play important role in the role in the life of student. Parents and teachers both are the vital aspects of in students' life. So they must taught the right education about sex. They should explain the emotional and physical turmoil that the youngsters can experience when they hit puberty.
जब उन प्यूबर्टी, जब उनमें हार्मोनल चेंजेस आते हैं, जब उनकी एक जवानी आती है, तो उनको उनके बारे में सही नॉलेज बताई जाए कि ये होता है, दिस दिस यू शुड डू, दीज आर द प्रिवेंशन एंड हाउ टू डू एट द राइट टाइम. कंक्लूजन, एवरी यंगस्टर शुड हैव सेक्स एजुकेशन मैंडेटरी इन कॉर्पोरेटरी करिकुलम एंड स्कूलिंग. स्कूल करिकुलम में ही उनको इम्पोर्टेंट होनी चाहिए, मस्ट होनी चाहिए. इट मस्ट बी कम्प्रीहेंसिव एंड मेडिकली एक्यूरेट. बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, ना कि अनएक्यूरेट, जो गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए. सेक्स एजुकेशन मस्ट बी ऑफर्ड थ्रू आउट अ स्टूडेंट स्कूल ईयर्स जस्ट लाइक एनी अदर सब्जेक्ट. जैसे बाकी एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट इन फॉर द फ्यूचर लाइफ, सिमिलरली सेक्स एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर द हेल्थ लाइफ. इट इज फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ आवर सोसाइटी टू गिव राइट इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशन टू द यंगस्टर रिलेटेड टू सेक्स एंड सेक्सुअलिटी. ये उनका फंडामेंटल राइट है. सो दिस इज द कंक्लूजन अबाउट सेक्स एजुकेशन. अगेन आई एम टेलिंग देर आर अनलिमिटेड फ्री क्लासेज ऑन आर चैनल YTH इंडिया विच आर गोइंग टू बी लाइव एज वेल एज मॉक टेस्ट विच आर गोइंग टू बी स्टार्ट लाइव एज वेल एज रिकॉर्डेड. सो दीज आर द बैचेज गोइंग टू स्टार्ट फॉर IAS, BPSC, UPPSC, JPSC, लेखपाल, CTET, Super TET, and all these are going to be in Hindi as well as in English, and an English speaking course which is going to live from 20th of March at 11 a.m. Free classes, these are totally free classes, there are no paid classes, totally free classes. So you must take advantage of these free classes, must spread the information to your friends which are going to start with these government exams. Please like, share and subscribe the channel, and don't forget to press the bell icon to get the notifications about the upcoming videos. Thank you so much.